हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए फिर से आज ग्रुप एक्स वाई का जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट करते हैं। और डेली से जो दोस्तों मैं अब तक जितने प्रोवाइड किया था उससे जो ये थोड़ा सा इसका जो लेवल इंक्रीज है पैसेज का, ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा अच्छा खासा भी है और इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, तो चलिए से पढ़ते हैं। और इसमें आप कोशिश कीजिए कि 20 out of 20 लाइए। ठीक है, कि अब जब घर पे 20 out of 20 आता है आपका तो फिर एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओगे, या फिर 19, 20 ये सारा लाने का कोशिश करो आप लोग। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, और मैं डेली आपको इंग्लिश की और रगा की फिर से डबल SSR की अब प्रैक्टिस सेटिंग प्रोवाइड करते रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए थैंक्स पैसेज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। थैंक्स टू अल्बर्ट स्टाइन इज इक्वल टू MC². ठीक है, चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हम अपना ट्रिक जो है पैसेज कैसे सॉल्व करें, बहुत सारे स्टूडेंट फिर से पूछ रहे हैं, मतलब जो जो नए नए जुड़ रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि पैसेज सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो मैं आपको इसका पैसेज का हिंदी भी करके बताऊंगा, लेकिन अब तरीका देखो क्या होता है। जिन लोगों की इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए पैसेज के लिए एक ही काम करना, आप लोग एग्जाम में कभी बैठना तो आप लोग डायरेक्ट पैसेज पढ़ना स्टार्ट मत कर देना। ठीक है, तो भाई करेंगे कैसे देखो, पहले करना क्या होता है कि हम पहले एक नंबर जैसे कि क्वेश्चन है ना पैसेज का वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके जो चारों ऑप्शन है वो पढ़ लेंगे। आप जैसे देखो हमने अभी तो पैसेज पढ़ा नहीं है और आपने भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप आंसर देखो बिल्कुल अच्छे से करोगे। देखो कैसे, मैटर इज द करेंसी फॉर एनर्जी डैश डॉट डॉट मीन्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं मैटर जो है करेंसी का, मैटर इज द करेंसी फॉर एनर्जी, जो मैटर है कि क्या करेंसी है किसके लिए एनर्जी का, इसका मतलब क्या हुआ ये ना बोल रहा है। ये तो लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा जब एक लाइन क्या है। तो फिर देखो बोल रहा है मैटर कैन बी ऑब्टेंड बाई रिटेनिंग एनर्जी। ठीक है, बी में बोल रहा है एनर्जी कैन बी ऑब्टेंड बाई यूजिंग मैटर, और बोल रहे हैं वी कैन परचेज बोथ मैटर एंड एनर्जी बाई पेइंग अगेंस्ट डेट इन करेंसी। फिर बोल रहा है वी कैन कन्वर्ट मैटर इंटू फॉरिन करेंसी एंड वाइस वर्सा। अब दोस्तों देखो, अब ये सारे क्वेश्चन का जो है ना हिंदी आप इजीली कर सकते हो। देखो कैसे बोल रहा है, मैटर कैन बी ऑब्टेंड बाई रिटेनिंग एनर्जी, आप इसका हिंदी करो क्या बोल रहे हैं कि जो मैटर है कि इसको कैसे हम ग्रहण करते हैं एनर्जी को पे करके, यही ना। फिर क्या बोल रहे हैं, एनर्जी कैन बी ऑब्टेंड बाई यूजिंग मैटर, अब बोल रहा है कि एनर्जी हम कैसे ऑब्टेंड करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं किसको, मैटर को यूज करके। ठीक है, और तीन में क्या बोल रहे हैं, वी कैन परचेज बोथ मैटर एंड एनर्जी बाई पेइंग अगेंस्ट इन करेंसी, अब बोल रहे हैं कि हम मैटर और एनर्जी दोनों कैसे प्राप्त करते हैं करेंसी को, मतलब पैसे को पे करके। तो ऐसा कभी हो सकता है अपने शरीर में जो मैटर हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, पैसा देकर कभी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अब कैसे प्राप्त करते भाई हमें पता चलेगा। फिर बोल रहे हैं वी कैन कन्वर्ट मैटर इंटू फॉरन करेंसी एंड वाइस वर्सा, बोल रहे हैं कि फॉरन कंट्री का जो पैसा है वो सारे देख के हम क्या करते हैं एनर्जी को और मैटर को गेन करते हैं। तो ये सारे अब क्या आंसर है हम एक क्वेश्चन में मिलेगा ना, ये पैसेज में मिलेगा कि मैटर जो है मैटर इज द करेंसी फॉर एनर्जी, मैटर ही क्या है पैसा है एनर्जी के लिए, तो इसका मतलब क्या है हमें पैसेज में मिलेगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है मैं टाइम ज़्यादा ले लूँ, बट फिर आपको धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएगा। थैंक्स टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब आपका काम क्या है, जब आपने क्वेश्चन एक नंबर पढ़ लिया और ऑप्शन पढ़ लिया तो आप चुपचाप पैसेज पे आ जाओ, आप पैसेज को बस इजिली रीड करते चल जाओ। थैंक्स टू अल्बर्ट आइंस्टाइन इज इक्वल टू MC², वी नो डैट मैटर इज द करेंसी फॉर एनर्जी एंड एनर्जी द करेंसी फॉर मैटर। अब दोस्तों यहाँ पे दे रहा है ना कि मैटर इज द करेंसी फॉर एनर्जी एंड एनर्जी द करेंसी फॉर मैटर, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक दूसरे के लिए क्या दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैटर है वो एनर्जी के लिए जरूरी है और एनर्जी जो है मैटर के लिए जरूरी है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो फिर क्या बोल रहे हैं, आवर बॉडी इज मैटर, इट इज मेड ऑफ बोन्स ब्लड टिश्यूज मसल्स और ऑर्गन्स एंड सो मच मोर, बट इट इज ऑल्सो एनर्जी डैट एक्सपोज बाई आवर इनएबिलिटी टू फुली कॉम्प्रीहेंड। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी पता चल जाओगे, हमारा बॉडी क्या एक मैटर है जो किससे बना है, बोन ब्लड टिश्यू मसल्स ऑर्गन से सारे से मिल से क्या बना है हमारा एक मैटर, और जिसको हम बॉडी कह सकते हैं वो बना है। ठीक है, बट इट ऑल्सो एनर्जी एज एक्सपोज बाई आवर इनएबिलिटी टू फुली कॉम्प्रीहेंड द प्रोसेस ऑफ बींग अलाइव, व्हेन वी ईट आवर बॉडी कन्वर्ट फूड मैटर इन टू द एनर्जी, जब हम खाते तो हमारा जो शरीर क्या करता है खाने को मैटर को क्या करता है कन्वर्ट फूड मैटर इंटू एनर्जी, जो खाने वाला मैटर जो खाए हुए होते हैं उसे किस में कन्वर्ट करता है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यूजेबल बाय द बॉडी। ठीक है, एक्सेस फूड इज ऑलवेज स्टोर्ड एज फैट और मैटर फॉर फ्यूचर यूज, अगर जो ज़्यादा हम खा लेते हैं वो किसके लिए स्टोर हो जाता है भविष्य के लिए, मतलब आगे जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसके लिए स्टोर हो जाता है। व्हेन वी मूव आवर बॉडी
कन्वर्ट द स्टोर मैटर इंटू एनर्जी। जब हम क्या करते हैं, घूमते हैं, चलते फिरते हैं, तो हम क्या करते हैं, आवर बॉडी कन्वर्ट द स्टोर मैटर इंटू एनर्जी। हमारे जो शरीर के अंदर जो स्टोर्ड हुआ मैटर रहता है उसको हमारा बॉडी क्या करता है कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट इक्वली ट्रू, आवर बॉडी कन्वर्ट द एनर्जी जनरेटेड बाई आवर मूवमेंट टू बिल्ड बॉडी। और ये भी बिल्कुल सही क्या है कि आवर बॉडी कन्वर्ट द एनर्जी जनरेटेड बाई आवर मूवमेंट टू बिल्ड आवर बॉडी। हमारे जो शरीर में जो कन्वर्ट होता है एनर्जी जब हम चलते फिरते, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग होता है। ठीक है, इनर्जी कैन, अगर मान लो कि एनर्जी नहीं क्या होगा, जनरेट नहीं हो, तो आपका शरीर क्या है, बॉडी नहीं, मतलब क्या, बिल्ड नहीं कर सकते आप, जो ग्रो नहीं कर सकते। इनर्जी एंड मैटर आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल एंड एक्सचेंजेबल, इट टेक एनर्जी। ये बोल रहे हैं क्या कि मैटर और एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए म्यूचुअली क्या है, कन्वर्टेबल एंड एक्सचेंजेबल, एक दूसरे के लिए क्या है, कन्वर्ट, एक दूसरे को करते रहता है। मतलब क्या करता है कि मैटर से क्या कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और एनर्जी क्या कन्वर्ट होता है मैटर में। जैसे कि आप लोग साइंस में पढ़े हो कि ऊर्जा को एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे, एक से एक फॉर्म से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते रहता है। बस वही साइंस रिलेटेड ही पैसेज है ये भी। इट टेक एनर्जी टू कन्वर्ट मैटर टू एनर्जी एज इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब बोल रहे हैं शरीर के पाचन क्रिया उसके थ्रू बोल रहा है कि एनर्जी जो कन्वर्ट मैटर टू क्या, टेक एनर्जी टू कन्वर्ट मैटर टू एनर्जी एज द प्रोसेस। ये जो मैटर जो है एनर्जी से क्या होता है, एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसके थ्रू, पाचन की क्रिया के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू। मैं आप इस क्वेश्चन पे आऊँगा, लेकिन आपको पहले पैसेज का हिंदी तो बता दूँ, फिर आप इजीली यहाँ से कर सकते हो ना, पैसेज का हिंदी जानना होगा। इट इक्वली टेक्स मैटर टू गिव यू एनर्जी एज इन द फूड वी ईट। हमें एनर्जी जो बोल रहा है कि इट इक्वली टेक मैटर, जो हम क्या करते हैं मैटर लेते हैं, टू गिव योर एनर्जी, क्या करते हैं एनर्जी को देते हैं, एज इन द फूड वी ईट, जो खाना खाते हैं उसे क्या होता है, उस मैटर से क्या हमें मिलता है, एनर्जी मिलता है। एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी डज इंडिट एनर्जी इंसर्ट एनर्जी। ठीक है, इक्वली ट्रू वेन परफॉर्म्ड करेक्टली आवर मूवमेंट ऑल्सो क्रिएट्स आवर बॉडी बाई एनर्जाइज। जब भी हम कुछ काम करते हैं वगैरह, घूमते फिरते, तो हमारा बॉडी क्या एनर्जाइज हो जाता है, मतलब एनर्जी से भर जाता है। दोस्तों मिला जुला के सारी बात करें तो वही है। ठीक है, अब हम वन मिनट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फोर का है, हाँ इधर है। अब बात घुमा फिर देखते हो वही एनर्जी के बारे में बात की, तो फिर देखो यहाँ पे जाओ, एक नंबर का आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपने हिंदी सुन लिया पूरा, मैटर इज द करेंसी फॉर एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, मैटर जो है करेंसी एनर्जी के लिए, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो दोस्तों, मैटर कैन बी ऑब्टेंड बाय रिटेनिंग एनर्जी। अब बोल रहा है कि मैटर को कैसे प्राप्त किया जाता है, रिटेनिंग एनर्जी से, या फिर ये बोलो एनर्जी कैन बी ऑब्टेंड बाय यूजिंग मैटर। अब दोस्तों देखो, अब शरीर के अंदर आप मैटर डालोगे ही नहीं, तो आपकी एनर्जी कहीं से मिलेगी नहीं ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। मैटर कैन बी ऑब्टेंड बाय रिटेनिंग एनर्जी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम अपने बॉडी के अंदर कुछ पहले मैटर डालेंगे, जैसे फूड के रूप में ही, खाने के रूप में, तभी तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। जब हम डालेंगे नहीं, तो फिर हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये पहला नंबर गलत हो जाएगा। अब देखो दो नंबर क्या है, एनर्जी कैन बी ऑब्टेंड बाय यूजिंग मैटर। हाँ, एनर्जी को ऑब्टेंड किया जा सकता है बाय यूजिंग मैटर। अपने शरीर के अंदर हम फूड डालेंगे तो किस में कन्वर्ट होता है, बार बार पैसेज में दिया हुआ है कि जब भी हम खाते हैं तो फिर किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है, हमारा दो नंबर हो जाएगा। और देखो ये सर जो बातें कर रही, जो एनर्जी को यहाँ से तो मैटर पे कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी को भी यहाँ पे बाई करने की बात कर रही, तो हम अपने शरीर के अंदर एनर्जी खरीदे कैसे, वो तो मैटर खरीदेंगे ना, तो ये दोनों बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही आंसर दो नंबर हो गया, क्लियर। अब देखो दो नंबर का ये क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज मैटर इन आवर बॉडी। मतलब बोल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्या बोलते हैं मैटर है, वो जो है किस किस चीज़ को फॉलो करता है, मतलब हमारा जो बॉडी है वो किन किन मैटर से मिलकर बना, बस वही बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि बोन्स, टिश्यूज, मसल्स, ये देखो दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, कहाँ चल गया पैसेज में, आवर बॉडी इज मैटर इट मेड ऑफ बोन, ब्लड, टिश्यू, मसल्स, ऑर्गन्स, उससे ज़्यादा भी कुछ दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये तीनों चीज़ जो है इनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है, ये सारे क्या मैटर हमारे बॉडी के, तो ऑल ऑफ एबव इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो तीन नंबर, व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं, ठीक है, अब इसका हिंदी ये मत करना क्या हम खाते हैं, नहीं, व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर डे टू डे फंक्शन। ठीक है, अब बोल रहा है कि इज यूज टू, जो हम खाते हैं वो क्या करते हैं, उस किस काम में आता है, हमारे जो डेली के डे टू डे एनर्जी फंक्शन, मतलब शरीर के जो कार्य होते हैं उसमें बोल रहा है कि उस फॉर्म को क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते रहते हैं, मतलब जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है, बस ये सब लोग किसके लिए, जो हम डेली के कार्य करते हैं, फिर फंक्शन करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी प्राप्त होता है, कैसे, जो हम खाते हैं। फिर ये फिर क्या बोल रहे हैं, बी इज
प्रिजर्व एज ए मैटर इन द डायरेक्ट फॉर्म, जब हम खाते हैं तो वो मैटर क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रिजर्व एज मैटर इन द डायरेक्ट फॉर्म, तो क्या हो जाता है वो डायरेक्ट मैटर के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। फिर सी में देखो, इज इफ एक्सेस आवर कंजप्शन इज स्टोर एज फैट इन आवर बॉडी। अब बोल रहे हैं दोस्तों कि ये जब अधिक हो जाता है तो कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारे बॉडी में फैट के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसमें बस ये बताना है कि इसमें ए बी मतलब एक दो तीन चार, ये अब चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में बोल रहा है कौन कौन सा ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ सही है, ओनली ए इज ट्रू, ठीक है भाई चलो ये दे बोल रहे, फिर ओनली बी इज ट्रू, या फिर ओनली ए एंड बी आर ट्रू, या फिर ए एंड सी आर ट्रू। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब सही और कौन सा गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कंजप्शन का हिंदी क्या होता है, मैं बता दूँ, खपत होना, मतलब जो इन्हें क्या बोल रहे हैं, इफ इज एक्सेस आवर कंजप्शन, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, अधिक खपत होता है, तो इज स्टोर्ड एज फैट इन आवर बॉडी, मतलब जो हम ज़्यादातर खा लेते हैं इनसे जरूरत से ज़्यादा, तो वो जो क्या हो जाता है कि हमारे स्टोर हो जाता है बॉडी में फैट के रूप में, फिर जब भी काम आता है तो वो खपत होते रहता है धीरे धीरे, है ना। और बोल रहे हैं प्रिजर्व एज मैटर इन द डायरेक्ट फॉर्म, तो जो मैटर है वो डायरेक्ट फॉर्म में हमारे अंदर नहीं स्टोर हो जाता है कभी भी शरीर के अंदर, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, तो बी नंबर बिल्कुल भी गलत है। तो हमारे देखो ये जो सी है हमारा सही है, और ये पढ़ते हैं इज यूज्ड इन फॉर्म एनर्जी फॉर डे टू डे, वही फंक्शन करे, अगर हम जो डेली कार्य करते हैं वो एनर्जी क्या होता है हमारा, एनर्जी है उसी कार्य को करने के लिए हमारा क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है तो ए और सी देखो यहाँ पे आपको पैसेज के अंदर से जो है आंसर मिल जाएंगे, तो उसका सही आंसर चार नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आर ट्रू। अब ये पैसेज थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा दोस्तों, है ना, या समझने में भी थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट आपको दो बार पढ़ लोगे पैसेज को तो ईजिली समझ में आ जाएगा। Why does our movement energize us? अब बोल रहा है कि हमारा जो movement है, हमारी जो गति है, वो क्यों energize हो जाता है, मतलब ऊर्जावान क्यों हो जाता है। देखो movement produce matter, अब बोल रहा है कि हम जो चलते फिरते हैं, हमारा जो गति है, उससे क्या हम कोई मैटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। क्या हम खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं चलते फिरते घूमते उमते, कभी नहीं कर सकते हैं, इनर्जी को भले प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो दो नंबर क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट कंजर्व्स मैटर टू गिव इनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि मूवमेंट जो है हमारा गति जो है कंजर्व्स करता है, खपत करता है मैटर का, क्यों भाई, टू गिव इनर्जी टू आवर बॉडी, क्यों किस लिए खपत करता है, कि हमारे शरीर को क्या दे सके, बॉडी इनर्जी दे सके। ठीक है दोस्तों ये आंसर आपको पैसेज में बिल्कुल सही है, कि हमारा जो मैटर किस में खपत होता है, इनर्जी को प्रोड्यूस करने में होता है, तो बिल्कुल सही है, सही आंसर दो नंबर हो जाएगा इसका। चलो अब पांच नंबर देखते हैं क्या है, पांच नंबर बोल रहे हैं दोस्तों कि स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, बोल रहा है कि जो गलत है दोस्तों उसको आपको क्या करना है, बताना है इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो चलिए पहले एक एक करके हिंदी हम जान लेते हैं, सबका हिंदी क्या होता है। ठीक है पहला स्टब बॉर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। ठीक है और बी में क्या, सबमिसिव का हिंदी क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। सबमिसिव हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, विथहोल्ड हो गया, तो इन सभी का अगर हमें हिंदी पता है तो हम इजिली इसे क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हिंदी कर सकते हैं, स्टब बॉम मतलब मैंने बोले जिद्दी, सबमिसिव मतलब होता है विनर्म, ठीक है वो जो होता है दयालु टाइप का आदमी होता है, क्या बोलते हो उसे, विनर्म ही बोलो ना। फिर इसको ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, मतलब बहुत कम समय के लिए रुकना, फिर विदाउट मतलब रोक के रखे हुए किसी चीज़ को। तो दोस्तों देखो ये सारी चीज़ें जो स्पेलिंग सही है, लेकिन ट्रांजिएंट जो है ना, ट्रांजिएंट का स्पेलिंग में गलती क्या है मैं बताता हूँ, कि आई के बाद ए नहीं ई होगा, ट्रांजिएंट में आई के बाद ए नहीं ई होता है। ठीक है तो ट्रांजिएंट को सुधारना है यहाँ पे, ये गलत है। अब देखो छः नंबर क्या बोल रहे हैं, ए पाई इन द स्काई, मीन्स ये जो फ्रेज है ए पाई इन द स्काई, अब स्काई में मतलब आसमान में पैर रखने की बात अगर आप सोचते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजलेस एक्सपेंडिचर, फिर अनरियलिस्टिक बिहेवियर, तो ये नहीं है, तो इसका अनरियलिस्टिक होप, मतलब अगर आसमान में पैर रखने की बात कर रहे हो तो वो कैसी बात है, तो अनरियलिस्टिक, वो जो बिल्कुल क्या फाल्स है, वो रियल चीज़ नहीं है, बस वो आपकी इच्छा है, आप सोच रहे हो, आपकी आशा है, तो इसका सही आंसर तीन नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सात नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, साइनोनिम ऑफ पैलिएटिव, तो देखो पैलिएटिव का साइनोनिम क्या होगा, तो सबसे पहले आप सबका हिंदी जान लो। ठीक है देखो ऑब्स्टूज का मतलब होता है कुंठित, मतलब बहुत कुंठित। ठीक है डल का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, और दोस्तों थिक का मतलब होता है मोटा, और सॉफ्टनर का मतलब होता है जो पैलिएटिव का हिंदी होता है। तो बात हुई पैलिएटिव का हिंदी क्या होता है, तो पैलिएटिव का हिंदी भी दोस्तों यहाँ पे वही होता है विनर्म। ठीक है इसका भी हिंदी होता है विनर्म, या फिर शांति निवेदन करने वाला, तो वही सॉफ्टनर जो हमेशा सॉफ्ट रहता है, कभी गुस्सा वगैरह नहीं करता है, तो इसका साइनोनिम क्या हो गया, सॉफ्टनर।
आठ नंबर में दोस्तों बेलफुल का एंटोनिम बताना है आपको। तो बेलफुल का मतलब होता है दुखद होता है ना, तो हार्मफुल तो हानिकारक हो गया भाई, एक्सपेंसिव महंगा हो गया, फ्रूटफुल आपको लाभदायक हो गया, फर्टाइल उपजाऊ हो गया। अब बेलफुल है दुखद है तो फ्रूटफुल ही होगा ना आपके लिए लाभदायक, तो इसका एंटोनिम ये हो गया। इसका उल्टा बताना था वहाँ पे। अब देखो नौ नंबर क्या बोल रहे हैं, ही सेड नरेशन का ए डेविल इवर रिमेंस एविल। दोस्तों आपने नरेशन का एक रूल पढ़ा होगा, कभी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, मतलब शाश्वत सत्य होता है, तो कभी भी उसको हम ये इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, चेंज नहीं करते हैं, वो सेम टू सेम लिख देते हैं ना। देखो इसका क्या बन जाएगा, क्योंकि ये सातवां क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, ए डेविल इवर रिमेंस डेविल, मतलब शैतान होता है वो हमेशा शैतानी काम करता है और फिर शैतानी रहता है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ये वाला सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। बस तो देखो क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ए डेविल इवर रिमेंस डेविल। अब देखो सेम टू सेम किस में लिखा हुआ है, इस सब में रिमेंड 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 कर दिया, तो ये तीनों बिल्कुल नहीं होगा। ये देखो ये ही सेड दैट ए डेविल इवर रिमेंस डेविल, दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे जो सूर्य क्या है, ओ सॉरी पृथ्वी क्या सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उसे कोई चेंज कर सकता है नहीं ना, उसी तरह ये भी शाश्वत सत्य है। चलिए दस नंबर देखते हैं, इसको क्या वॉइस चेंज करना मतलब है ना, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव। ही विल हैव हेल्प मी, अब देख रहे हो दोस्तों ये क्या है, ही विल हैव हेल्प मी, ये जो है एक्टिव में है, तो दोस्तों इसे पैसिव में हमें चेंज करना है। तो आपको पैसिव में चेंज करना है, तो देखो क्या करोगे, मी को जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाओगे भाई, तो आई से स्टार्ट होगा, तो एक नंबर तो होगा नहीं। जब हम आई से स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आई के बाद देखो विल भी लगता है, सेल भी लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा, लेकिन दोस्तों विल हैव या फिर सेल हैव के बाद क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। वॉइस का नियम है ना कि हैव के बाद क्या आता है, बीन, और उसके बाद भीतरी आता है। तो बीन देखो किस में, तो बीन देखो इसमें है, आई सेल हैव बीन हेल्प बाई हिम, क्लियर, ये हो जाएगा तीन नंबर। अब देखो दोस्तों ग्यारह क्या बोल रहे हैं, साइनोनिम ऑफ हॉक्स। तो हॉक्स का मतलब क्या होता है, हॉक्स का मतलब होता है छल कपट करना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो फॉल्स कॉल का मतलब भी होता है छल कपट करना, आइडियोटिक मूर्ख की तरह बात करना, आइडेंटिटी पहचान ऑफ नो। ओह चलिए देखिए बारह नंबर देखते हैं, एंटोनिम ऑफ एक्सक्यूटिव। एक्सक्यूटिव का बोल रहे हैं कि एंटोनिम क्या होगा, तो एक्सक्यूटिव का दोस्तों हिंदी क्या होता है, तो अधिकारी पद पर रहना, सबसे ऊपर वाले पद पर रहना एक्सक्यूटिव, ठीक है। दोस्तों देखो हेड, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा ना, जॉबलेस बिना जॉब का। फिर तो देखो सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट मतलब होता है अधीनस्थ, मतलब जो अधीनस्थ का मतलब होता है कुछ, मान लो हेड है तो उसके नीचे वाला जो क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोल सकते हैं अधीनस्थ को हिंदी में, मतलब बोल सकते हो आप लोग, हाँ वही उसके अधीन रहना, ठीक है। तो जैसे कि ये जो होता है असिस्टेंट बोल सकते हो उसको आप, तो दोस्तों एक्सक्यूटिव जो है अगर कोई अधिकारी है तो उसका क्या होता है, असिस्टेंट होता है, तो उसी का हो जाएगा सब ऑर्डिनेट, इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों तेरह नंबर देखो, अब तेरह नंबर बोल रहा है कि स्पॉट द एरर विच मे बी इन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब बोल रहा है कि ये सेंटेंस है इसको एरर निकालना है, ही हेल्प्ड विथ मी व्हेन ही वाज अ बॉय, वो क्या करता था, खेला करता था, कब मैं वो मेरे साथ खेलता था कब, जो वो बचपन में, वो सॉरी ही वाज अ बॉय, जब वो एक लड़का था, मतलब थोड़ी थोड़ा बच्चा था, कहने का मतलब। तो इस सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं, इसलिए चार नंबर हो जाएगा, नो एरर। देखो चौदह नंबर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्टिंग। तो ये दो वर्ब का जो है ना पास्ट फॉर्म आप लोग याद करके जाना, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो स्टिंग का मतलब होता है बदबू देना, तो स्टिंग का पास्ट होता है स्टंग, तो तीन नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, ओ पंद्रह नंबर है ना, पंद्रह नंबर क्या बोल रहा है, यू ही एंड आई। तो दोस्तों ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तीन लोग मिल गया ना, तो क्या बोलेगा, प्लेइंग है जब, तो कंटिन्यूअस में कौन सा आएगा प्लूरल के लिए, तो आर ही आएगा ना, क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल के लिए आ रहा है ना, तो सही होगा तीन नंबर। अब बोल रहे दोस्तों देखो सोलह नंबर में, यहाँ पे आपको क्या रखना है, आर्टिकल रखना है। तो देखो ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है। दोस्तों द किसके पहले लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, तो आपको ये पता चल कि इसके पहले और इसके पहले ए लगेगा। चलो भाई तो दो मिल गया ए ए, अब देखो दोस्तों ए एक इसमें आपको मिल रहा है ऐसा, एक ये एक नंबर और तीन नंबर पे इसमें भी ए है और इसमें भी है, लेकिन दोस्तों द ए रिक्स नहीं होता, क्योंकि एक नहीं होता है, क्या होता है रिक्स लेना, क्या उसको क्या बोलते हैं, दाव पे किसी चीज़ को रखना, तो एक दाव पे रखना नहीं, द उसको, क्योंकि वो इन क्या बोलते हैं डेफिनेट है वो, ठीक है, इनडेफिनिट नहीं है रिस्क, तो इसके वहाँ पे द काम पे यूज करेंगे आप लोग, आर्टिकल पढ़े होंगे, और फिर प्रॉफिट के पहले भी द का प्रयोग करें, तो सही आंसर चार नंबर हो गया इसका। चलो सत्रह नंबर देखते हैं, ही अवेंज्ड, देखो अवेंज्ड का मतलब होता है अपने से दुश्मनी निकालना, अपॉन हिज इनमिटी, सॉरी इनमी, अपने दुश्मनों से क्या करेगा, ही क्या करेगा वो
अपने दुश्मनों से बदला लेगा। ठीक है, तो क्या होता है देखो, अवेंज के बाद दोस्तों कभी भी क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ है इसमें, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सेल्फ लग के आ गया, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दोस्तों। देखो यहाँ पे जब अपॉन आ गया प्रीपोजिशन, तो वो उभर आएगा नहीं और फिर से अपॉन आएगा नहीं, तो बचा कौन, सिर्फ सिंगल हिमसेल्फ ही आएगा। ही अवेंज हिमसेल्फ अपॉन हिज इनमी। और 18 नंबर देखो, आई वॉन्ट प्रूफ डैश योर इंटीग्रिटी। अब बोल रहे हैं दोस्तों कि मैं क्या चाहता हूँ, आपके अखंडता के, अखंडता का क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए मुझे। अब दोस्तों मान लो कि चोरी का आप लोग क्या चाहते हैं, प्रूफ लेते हो। ऐसा तो नहीं कि चोरी के बारे में प्रूफ को नहीं लेता है, चोरी के बारे में जानकारी मिलती है लेकिन चोरी का प्रूफ मिलता है, इसलिए आप यहाँ पे अपॉन सॉरी अबाउट नहीं होगा, ऑफ होगा। और फ्रॉम और अपॉन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ। आई वॉन्ट प्रूफ ऑफ योर इंटीग्रिटी। अब देखो 19 नंबर क्या है, वी सेल गो, ठीक है, वी सेल गो डैश योर डिजायर इट। मैं क्या जाऊँगा, डैश योर डिजायर इट। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर एंड रख देते हो, तो पहले तो लिस्ट मत रखना, क्योंकि लिस्ट अगर कब रहता है, जब यहाँ सेल की जगह सूट रहता है तब, ठीक है, लिस्ट मत रखो क्योंकि सूट के बाद आते हैं। अब रहा दोस्तों एंड की बात, तो अब ये जो कंजक्शन है एंड करके जोड़ते हैं अगर, तो क्या इसका हिंदी बनेगा आप बताओ, कि वी सेल गो, हम लोग जाएंगे और आप क्या करोगे, इच्छा करोगे, हम लोग जाएंगे और आप इच्छा करोगे, तो बिल्कुल भी सेंटेंस को ख़राब करते हैं। अब अगर डैट को हम यहाँ पे अगर करते हैं, देखो क्या करते हैं, इसका हिंदी क्या निकलता है, हम जाएंगे कि आप इसकी इच्छा रखते हैं, मतलब हम जाएंगे कि आप इसकी इच्छा रखते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल भद्दा होता है। और जब सिंस हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसका हिंदी क्या निकलता है, कि वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट, मतलब आप जब से इच्छा रखते हैं हम जाएंगे, कहने का मतलब वही कि आप जब कहोगे, कहने का मतलब तभी हम जाएंगे, तो इसका सही आंसर सिंस हो जाएगा। सेंटेंस का हिंदी करके भी कभी कभार देखना पड़ता है हमें। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखो, आई वॉज सो सेकर्ड स्केयर्ड आई कुड हार्डली स्पीक। अब देखो दोस्तों सो आता है, तो सो के बाद कौन सा कंजेक्शन इसको आता है, तो दोस्तों ये जो है सो डैट डैट डैश और डैट, ये जो कंजेक्शन है हमेशा आता है, तो सो के बाद क्या होना चाहिए, डैट होना चाहिए। देखो 20 का 4 नंबर ऑप्शन में है हमारा डैट, तो आई वॉज सो स्केयर्ड डैट आई कुड हार्डली स्पीक। ठीक है, चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन खत्म हो गया, और मैं आपको आज शाम को प्रोवाइड करता हूँ रगा का प्रैक्टिस सेट, उसके बाद फिर आपको हो सकता है तो मैं नेवी SSR EE का भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।